आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज व्हेन मीडियन इज गिवन। जब क्वेश्चन में आपको मध्य का या मीडियन दिया हुआ है और टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट्स सी, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ एन इक्वल्स टू 100। अब आपको टोटल दिया हुआ है 100, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 30। और मीडियन क्या दी हुई है आपको, मीडियन दी हुई है 30। मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10। क्वेश्चन मार्क दिस इज मिसिंग 20 to 30 में 25, 30 to 40 में 30 और 40 to 50 में क्वेश्चन मार्क, ये भी मिसिंग है। नेक्स्ट 50 to 60, 10। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज मिसिंग है। इन मिसिंग वैल्यूज को हम क्या ज्यूम कर लेंगे, ए एंड बी। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। मार्क्स आर गिवन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसीज आर 10, ए माना था हमने फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी को जो कि 10 से 20 से रिलेटेड है, 25 नेक्स्ट हो गया, 30 टू 40 में 30 हो गया, 40 टू 50 में मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो गई बी। नेक्स्ट है 50 टू 60 की फ्रीक्वेंसी है 10, सीएफ निकाली 10 एज इट इज आ गया, 10 प्लस ए हो गया ये 10 प्लस ए प्लस 25 तो हो गया 35 प्लस ए, 35 प्लस ए प्लस 30 दैट इज 65 प्लस ए, 65 प्लस ए प्लस बी दैट इज 65 प्लस ए प्लस बी। नेक्स्ट 65 प्लस ए प्लस बी प्लस 10 इक्वल्स टू 75 प्लस ए प्लस बी। तो ये आ गया हमारा टोटल एन आ चुका है। फॉर्मूले में हमें जो जो वैल्यूज चाहिए उसको हम इसमें देख लेते हैं। मीडियन हमें क्वेश्चन में गिवन था 30, एन इक्वल्स टू 100, ये दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन है। फ्रीक्वेंसी मीडियन ग्रुप हो गया आपका, मीडियन ग्रुप क्या है 30 किस में आएगा, 30 टू 40 वाले ग्रुप में, तो मीडियन ग्रुप हो गया 30 to 40। ठीक है, आई इक्वल्स टू इंटरवेल, इंटरवेल क्या होगा एल वन है, ये एल टू है, एल टू माइनस एल वन 40 माइनस 30 दैट इज 10। अब आ गया आपका स्मॉल m, स्मॉल m कैसे निकलेगा, n बाय 2, ये है आपका 100 बाय 2 दैट इज 50। अब है c, जो आपका मीडियन ग्रुप है उसके पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी c, c इक्वल्स टू 35 प्लस a। तो अब ये सारी चीजें हमें फॉर्मूले की आ गई है, ठीक है। और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप है 30। हमने फॉर्मूले की सारी वैल्यूज लिख ली है, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। मीडियन वैल्यूज 30, मीडियन ग्रुप इज 30 to 40। फॉर्मूला हमारा मीडियन का क्या है, L1 प्लस आई अपॉन एफ ब्रैकेट में स्मॉल m माइनस सी। तो m हमारा क्या था, 30 था, L1 भी हमारा 30 ही है, i हमारा 10 आया था, फ्रीक्वेंसी भी हमारी 30 थी और स्मॉल m हमने निकाला था n अपॉन 2 डैट इज 100 अपॉन 2, और c है हमारा 35 प्लस a जिसको कि हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट की चीजों को, 50 आ गया ये इस स्टेप में, नेक्स्ट माइनस 35 प्लस ए आपने एज इट इज लिख दिया। अब फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का साइन आपके ब्रैकेट के बाहर है इसलिए अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, आपका आंसर होगा 50 माइनस 35 माइनस ए। 10 को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट वाली डिजिट से तो आपका आंसर आ गया 500 माइनस 350 माइनस 10 ए डिवाइडेड बाय 30। फाइन, अब ये 30 जो इक्वल्स टू के इधर है उधर चले जाएगा, तो 30 माइनस 30 क्या होगा, दैट इज 0 इक्वल्स टू, इनको सॉल्व कर
करेंगे तो क्या आएगा, 150 माइनस 10 a अपॉन 30, ठीक है। अब ये 30 इधर चले जाएगा आपका, तो वो जीरो हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 150 माइनस 10 a इक्वल्स टू जीरो, 10 a 150, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, 150 डिवाइडेड बाय 10, a इक्वल्स टू 15 आ गया हमारा। हमने 10 टू 20 की मिसिंग फ्रीक्वेंसी अज्यूम की थी a, यहाँ हमने a की मिसिंग फ्रीक्वेंसी लिख दी है 15, तो टोटल हमारा 100 इक्वल्स टू 75 प्लस a प्लस b, a की वैल्यू लिख दिया आपने 15, 100 इक्वल्स टू 75 प्लस 15 प्लस b, 100 इक्वल्स टू 90 प्लस b, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, 100 माइनस 90 b इक्वल्स टू 10, तो ये आ गया आपका 10 या गई 15। ऐसे आपने दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर ली है। यही दोनों ग्रुप की मिसिंग फ्रीक्वेंसी 10 टू 20 की तो 15 आ गई, 40 टू 50 की आ गई 10। इस वीडियो में हमने कैलकुलेशन ऑफ टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मीडियन इज गिवन सीखा है। अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ वन मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन मीडियन इज गिवन सीखना है तो देयर इज अ वीडियो माय प्लेलिस्ट, यू कैन गो थ्रू फॉर दैट वीडियो। थैंक यू।